लिखे अगर खुदा ने मेरी घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेरे तरफ आसमानी खुदावन आज दोपहर हम तेरे हुजूर झुके हैं कि अपने घर भाइयों के साथ मिलकर खुदावन उनके दुखों में शामिल हो सके। बेशक दुखों का मदारा तू ही है और तू ही इंसानों को तसल्ली देता है। खुदावन तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि तूने हर तरह के खुदावन जानी नुकसान से इस हादसे में अपने लोगों को बचाया है। से प्यार से और रवादारी और बर्दाश्त से मैं FC कॉलेज में पढ़ता रहा हूँ। मैं हर इतवार वहाँ पर एक चर्च था हमारा है अब भी चर्च है। मैं हर इतवार वहाँ भी वहाँ सुनने के लिए जाता था। मुझे पता है कि चर्च में हमेशा मोहब्बत प्यार रवादारी और बर्दाश्त का दर्स होता है और कभी कोई ऐसी बात नहीं हमने सुनी। फिर इसके बाद मैं इंग्लैंड चला गया बच्चों के साथ तो वहाँ भी हमारे घरों के नज़दीक एक कैथोलिक चर्च था तो वहाँ हम हर इतवार के इतवार वहाँ भी जाते थे तो वहाँ भी हम यही देखते थे कि मोहब्बत प्यार का दर्स ही होता था। और वो वहाँ के बिशप एक दफ़ा मुझे मिले बिशप जान लिंकन शहर के जी। उन्होंने कहा कि बुखारी साहब हम औलाद आदम हैं। मैंने कहा बिल्कुल। और इस हवाले से फिर मैंने एक आयत पर मुझे पढ़ी गई कि वल्लकद करमना बनी आदम हम औलाद आदम को एहतराम इज्जत और फजीलत के लिए पैदा किया। इसमें कोई तख़सीस नहीं है। हम सब लोग जो भी हैं चाहे जिस एरिए से तलक रखते हैं जिस ज़बान से तलक रखते हैं जिस फिरके से तलक रखते हैं हम सब बराबर हैं। वलकद करमना बनी आदम औलाद आदम को मैंने एहतराम इज्जत और के फजीलत के लिए पैदा किया। बस मैं यही बात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता था और आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है या कोई बात हुई है। अल्लाह पाक रहम करने वाला है। आप हमारे लिए भी दुआ करें हम आपके लिए दुआ करेंगे हमेशा दुआ को होंगे। जब भी सलोत्रा साहब हमें बुलाएंगे हम इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वैसे भी मैं अब्दुस्तार ईदी और मादा ट्रीसिया का फ़ैन हूँ यानी उनसे मोहब्बत करने वाला दोनों से और कई दफ़ा उनके अदारों में गए हैं और अल्लाह पाक से दुआ की दरख्वास्त खुदावंद ज़ुल जलाल से की है। आप भी हमारे लिए बस दुआ करें बाकी अल्लाह मेहरबानी फरमाने अल्लाह मेहरबानी फरमाने। मसीह यीशु के पाक जलाली बाबरकत और कदूस मारे मीठे नाम में आप सब की सलामती हो। मैं अगर बहुत दिया गल्ला करना चाहवा करा लेकिन अंदरों हौसले एंजो हो चुके ने। बेशक साडे लिए बड़ा कुछ कर दिता गया लेकिन 16 अगस्त साढ़े वास्ते हर 16 तारीख ही साढ़े लिए स्याह दिन नजर आएगा। वो चाहे 16 सितंबर है 16 अक्टूबर भी आवे 16 नवंबर आवे 16 दिसंबर आवे साढ़े लिए इंज ही होएगा जिवें कि 16 अगस्त हो गई है। क्यों? क्योंकि हमेशा लिए
याद रखा जाएगा कि साढ़े नाल मैं तुम दसना चाहना मेरे अजीजो अपने दुख सांझे कर लो अपने दुख सिर्फ ये नहीं कि इस पिंड दे विच वाकया है तो यह कहिए जिमें कि भी फलां वाकया होया सी बल्कि यह कहिए कि वह मेरे नाल वाकया हो गया है। असीं अज याद करिए कि शांति नगर दे विच भी टिब्बे दे विच भी इंज ही होया सी बामड़ी वाले विच भी इंज ही होया गोजलिया दे विच भी इंज ही होया जोसफ कलोनी दे विच भी इंज ही होया उत्थे भी साडियां बच्चियां भैणां रोंदियां रहियां साढ़े नौजवानों से भी जुलम असर हुए घर साड़ दिता गया और सब तो वड्डा जरा जुलम हों बाइबल मुकद्दस का जलाया जाना तमाम गीतां दी किताबां का जलाया जाना और सब तो वड्डा साडे लई सलीबे पाक का जलाया जाना जिहड़ी कि साडी निजात का निशान है। लेकिन मैं बहुतियां गल्लां नहीं चंद गल्लां एक करांगा कि मेहरबानी करके अपने अंदर इकट्ठ कर लो अंदर कट्ठ नहीं जो होंदा कलाम च लिखा है ये अनाज ते महली ते कट्ठे हो जाते हैं पर मेरे तो दूर रहिंदे ने खान पीन ही कट्ठे हो जाने किसे दा हक मारन लई कट्ठे हो जाने लेकिन खुदा चाहता है ताडे अंदर एक एका होना चाहिए खाना पीना सानू खुदा नाल नहीं बना सकता। मेरे वालदे मोहतरे भी एक गीत गाते होंगे सन और मैं तुम जरूर सुनावांगा क्योंकि साढ़े लिए समा मरग वर्गा ही गाते होंगे सन इस दम का कोई वसा नहीं मैं चाहूंगा सारे गाओ जरा इस दम का कोई वसा नहीं इस दम का कोई वसा आया आया ना आया वो किसे दो गज कपड़ा कफन तेनो किसे दो गज कपड़ा वो किसे पाया पाया ना पाया इस दम दा कोई ओए एवी मेरी मेरी करना है सारे कहो ओ कुफरा दी बेड़ी चढ़ना है ओ कुफरा दी बेड़ी चढ़ना है ओ जिन्ना ले पाप कमाउना है असि अपने धियां पुत्रां लई अपने ढिड वास्ते फरेब कर जाने धोखा कर जाने पर ये भी कक नहीं जे ओ जिन्ना ले पाप कमाउना है ओ पार लाया लाया ना लाया इस दम दा कोई वसा नहीं एवें मेरी मेरी करना है कुफरों दी बेड़ी चढ़ना है। ए याद रखो ए मकान ए चर्च बिल्डिंग याद रखो ए बिल्डिंग चर्च नहीं कि मैं क्या है असल चर्च तुसी हो अगर तुसी नहीं बन सके ए बिल्डिंग एदा कोई फायदा नहीं जी अपने आप नु चर्च बना लो आसमान दी बादशाही दर्जा पाओ जे तुसा अपने आप नु चर्च ना बनाया तो इस बिल्डिंग का बनना फजूल है जे बिल्डिंग टह जांदियां जे बड़े बड़े भूचाल आंदे ने उदों भी टह जांदा है तो जे इन्हां जालमां ने ढा दिता तो फिर की हो गया है अपने आप नु यसू लई तैयार कर लो इन्हां बिल्डिंगां दा सानू एदा कोई भार नहीं इस तो अपने आप को तैयार करो आसमान की बादशाही ताकि अगर इस तो भी मैं ना दिन च एक गीत आएगा ऐ ईमानदारो होश संभालो दुखां दा वेला आने वाला जे ये जमाना सानू यसू वाले ना तो जेलों के पाने वाला जे इस तो उन्हें वक्त लिए अपने आप को तैयार करो ताकि तुसी इस चर्च बिल्डिंग की मैं गल नहीं करांगा वो चर्च की बिल्डिंग जिंदे बारे च पहला क्रंथ चो तीन बाब 16वीं च लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है जो कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद करेगा क्योंकि खुदा का मकदस पाक है यानी खुदा का घर पाक है और वो तुम हो अपने आप में तैयार करो ताकि खुदा तुम सब नु बरकत दे आमीन। साहब के लिए जोरदार अब मैं बारह साहब समय बहुत पी एम एस
पीए को पाकिस्तान से पाकिस्तान अमन कमेटी को दावा देता हूँ कि वो आए और अपने कारात का इजहार करें। आप सबको मेरा सलाम, बाबरगुल लाहौर से। मैं समझता हूँ कि आज का जितना भी दुख भरा ये दिन जो चल रहे हैं हमारे मसीह लोगों में, तो ये अब वक्त जो है ना, ये बहुत सारा नज़दीक है हमारे लोगों के लिए। आप लोगों को ये अपने दिल में ये सोच लेना चाहिए कि ये वक्त जो है ये बड़ा मजबूत आप लोगों को अपने आप को करना पड़ेगा, क्योंकि आज 75 साल हमें पाकिस्तान में रहते हुए हो चुके हैं, लेकिन हमने हमेशा अपने लोगों में दुख और तकलीफों के सिवा कुछ नहीं देखा। लेकिन अगर आज भी हम एक इतिहाद ना करेंगे तो आगे भी इसी तरह हम लोग मार खाते चले जाएंगे। मुझे बड़ा दुख होता है कि हम लोग ये चंद लोग देखें, ये वकुआ एक नहीं है, ये बड़ा बहुत बड़ा वकुआ हुआ है, तो हम लोग कोई भी इकट्ठे कोई भी नहीं बाहर निकला। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमने लाहौर में भी सारा इत्तेजाज वगैरह किया, हमारे जितने भी लोग थे हम तो वहां पे चले गए, लेकिन हमारे बहुत सारे मसीह लोग जो थे ना वहां पर नहीं आए। ये बड़ी बुरी बात है। अब वक्त है एक होने का, और मेरा मैं समझता हूँ कि पाज साहब ने जितनी अच्छी बातें कर दी हैं इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। हमें अपने अंदर मजबूती लाने पड़ेगी और इसके अलावा हमें कुछ भी और नहीं करना पड़ेगा। आप मजबूत हो ताकि आइंदा जो हमारे साथ अगर कोई ऐसा वकवा होता है तो हम एक जान होके सब मिलके अपने दफा कर सके। आपका शुक्रिया, आप जीते। मसीह यसू के कादर जलाली बाबरकत फतेह मंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। थोड़ा सा वक्त आपका लेने है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीहा मिल्लत पार्टी ये फोटो सेशन वाली पार्टी नहीं है। 16 अगस्त नूं जदों सानूं खबर मिली कि जड़ां वाले दे विच चर्चस ते हमला हो गया, मैं ते पादरे भाई असलम प्रवेश सोत्रा साहब असी एक दूजे नाल राबता कीता और असी 3 बजे इतों के पादरी साहबान वो मैनू मना कर रहे सी, भाई असलम नू मना कर रहे सी भी ना आओ, हालात बड़े खराब ने, अगां लग रही हैं। और असी दोनों ही बल्कि भाई लियाकत होर भी साड़ी टीम के काफ़ी लोग सन, असी 16 अगस्त नू 3 बजे जड़ा वाले सी ते असी अपनी अखां दे नाल सारे मंजर देखे ते दिल जड़ा ही खून दे आंसू रोंदा सी। वड़े वड़े जलूस, डंडे सोटे वटे लोकां दे हाथ चे, ते मैं दसना चाहुंना कि अज असी फिर 1 महीने बाद, सिर्फ 1 महीने बाद ही नहीं आए, मेरा इत्थे तकरीबन 7वां चक्कर। 7 चक्करां दे विच असी मुख्तलिफ लोकां लई कुछ ना कुछ कर सके। ते मैं तुहानू भी भैणो भाईओ यह दसना चाहुंना, कहना चाहुंना भी अपनी जिंदगी च भी वह गल जिहड़ी है लैवो भी मेरे नूं हुण घट दवो ते फलाने नूं ज्यादा जरूरत है उहनूं दे दो। मैं अफसोस नाल गल कहण दिया, अज भी फड़ा फड़ाई लगी। अपनी इज्जत दा हाथ नाल लाओ, जदों इत्थे कोई आउंदा तुसीं फड़ लैंदे हो ते कपड़े, भाई रोटी पानी इत्थे रह जाणा। पाज साहब ने जिहड़ी गल कही है अपने बदन की फिक्र करनी है ते खुशियां जिहड़ियां ने उह गम वंडण दे नाल वधदियां, ते गम जिहड़े ने उह वंडण दे नाल घटदे ने। एक दूजे दे गमां चों उंझ खलोजो ना, ये अज इत्थे होया कल किते होर भी हो सकदा, क्योंकि रुकण वाला सिलसिला ते है नहीं। लेकिन सानू यूनिटी की जरूरत, सानू तफाक की जरूरत, कल्ले कल्ले होके मार खावांगे। ते आओ अज अपने इस खुदा दे घर च बह के ऐद करना है कि असी अपने लोगों के नाल जीना मरना। साडा कहण दा मकसद यह नहीं भी कलैशन कोप लै लो ना, साडा यह भी नहीं मतलब भी तुसीं डंडे सोटे लै लो। असी एक दूजे लई दुआ कर सकते, असी किसे नूं कोई किलो आटे दे नाल मदद कर सकते, असी किसे दे बच्चे दी किताबां लैके ओहदी मदद कर सकते हैं, साढ़े को 2 जराबां ने असी ओहदे नाल एक दूजे की मदद कर सकते हैं। ते मेरे को बहुत सारिया रिपोर्टां ने इत्थों दियां, मैं करना नहीं चाहुंदा क्योंकि उहदे नाल साडी सारिआं दी
हौसला शिकनी होगी। मैं सात चक्कर इतने लाए ने तो सत्ता चक्कर च हर वारी कोई नवी स्टोरी मिली। तो खुदा तुहानू बरकत दे। मसीहा मिलत पार्टी अज भी तुहाडे नाल खड़ी, ना सिर्फ आप आइए बल्कि शाह साहब हुरां भी उन्हें दावत दी पियाओ साडे लोगों के नाल खलोवो। तो असीं तुहानू ये दरखास्त अज करना चाहुंदे हाथ जोड़ के कि तुसीं भी एक दूजे दे नाल खलो जाओ। खुदा तुहानू सारे नूं बरकत दे। बहुत जना सर। तो अब आखिर पर मैं बानी चेयरमैन तो आए और अपने सारा बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, बोलो खुदावंद यीशु मसीह की, पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी, पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी, असलम परवेज सोकरा, असलम परवेज सोकरा, असलम परवेज सोकरा। मसीह यीशु के कादर जलाली और फजल नाम में तमाम हाजरीन की, तमाम सुनने वालों की सलामती हो। खुदा के लोगों, पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी मुल्क भर में जहां जहां जुल्म जबर हो रहा है वहां पर मजलूमों की आवाज है। ना सिर्फ ये मसीहों की, ये हिंदुओं की, ये सिखों की, ये मुसलमानों की, जो भट्ठा खश्त फैक्ट्रियों पर जिम्मेदारों के पास नस्ल दर नस्ल गुलामी में जकड़े हुए हैं सब मुसलमान, पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी उनकी भी नुमाइंदा जमात है। मैं आज फिर दोबारा सानिया जड़ा वाला की भरपूर मजम्मत करता हूं। इसके बाद जिस तरह से मुल्क भर में खौफ फैलाया जा रहा है और सरकार जो है मिट्टी पाओ कट्टा पाओ की पॉलिसी पर गामजन है, पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी इस हकूमत की सारी पॉलिसी की भरपूर मजम्मत करती है। मैं उन सब कामों के लिए शुक्रगुजार हूं सरकार का कि उन्होंने कुछ लोगों को यहां आकर, कुछ लोगों को, मैं दोबारा कह दूं, कुछ लोगों को यहां आकर उनकी माली मदद की, लेकिन सारे मुतासरीन को सरकार ने अकोमोडेट नहीं किया। सरकार ने तमाम लोगों को जो सताए गए हैं, जो घरों से बेघर हुए, उनकी मदद नहीं की, लेकिन जितनी उन्होंने की हम उनके शुक्रगुजार हैं। वजीरे आजम आया, वजीरे आला आया, बिशप साहबान आए, एनजीओ के नुमाइंदे आए, उन्होंने यहां पर रूहानी तौर पर, माशी तौर पर हमें मजबूत करने के लिए हमारा साथ दिया, हमारे लोगों के साथ खड़े हुए। हम तह दिल से पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी उनकी भी शुक्रगुजार है। पर मैं अगली बात बता दूं कि गोजरा में चेक तकसीम किए गए, इंसाफ तकसीम नहीं किया गया, शांति नगर में सरकार ने और एनजीओ ने मदद की पर इंसाफ फराम करने के लिए करदार अदा नहीं किया। जोसेफ कानूनी में लोगों की माली इमदाद की गई लेकिन असल मदद जो ना सिर्फ जोसेफ कानूनी के मसीहों की होना थी बल्कि रियासत
अगर अपना किरदार अदा करती जोसेफ कलोनी के मुल्जमान को सजा देने के लिए, तो ये रियासत का की अपनी ही मदद थी। अगर किसी गांव में से शरपसंद मुल्क दुश्मन लोगों को सजा मिले तो उस गांव, उस बस्ती, उस शहर का ही भला होता है, किसी एक शख्स का नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर चीज के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, पर कोई ये ना सोचे कि हम आपके चेकों के इवज अपने चर्चेज जलाया जाना, बाइबल मुकद्दस जलाया जाना, उन चर्चेज में कुरान पाक भी थे, मुझे कुरान पाक का भी उतना ही तकद्दस है मेरे लिए, वो भी जलाया गया। अगर कोई कोई कुव्वत, अगर कोई जमात, अगर कोई रियासत का सतून बाइबल जलाने वालों को, चर्च जलाने वालों को, लोगों के घरों में लूटमार करने वालों को, इस हालत तक हमें पहुंचाने वालों को कि मेरी जमा बेटियां, मेरी बहनें जो है वो जाकर खेतों में छुपकर रात गुजारें, अगर आप चाहें कि आपके चक्कों के इवज हम इंसाफ से पीछे हट जाएंगे तो ये आपकी भूल है। मैं जानता हूं कि जब मैंने यूहन्नाबाद के असल हकायक को सामने लाने के लिए बातचीत की, आवाज बुलंद की, तो इन्होंने सिर्फ मुझे 5 साल तक जेल में रखा उसके इवज। वहां मजलूमों की आवाज बुलंद करने पर मुझे 5 साल तक जेल में रखा गया, पर मैं अपने मौकफ से पीछे नहीं हटा। मैं आज भी ये बात डंके की चोट पर ऐलानिया करता हूं कि अगर यूहन्नाबाद में उन लोगों को जो जलाए गए थे सरकार चाहती के जिंदा बच जाए तो वो बचाए जा सकते थे, लेकिन अफसोस कि ऐसा ना किया गया। फिर मसीह कौम को बदनाम करने के लिए एक बड़ा किरदार जो है वो सामने लाया गया, उसके खिलाफ पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए मैंने आवाज बुलंद की तो इन्होंने एक बड़ी साजिश के तहत उसी मुकदमा में 5 साल तक मुझे जेल में रखा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं सब लोगों को जिन्होंने मुझे जेल भेजा था, आज भी सरकार के लोग यहीं पर तैनात हैं, उन्होंने वो बड़ी साजिश कर रहे हैं कि सानिया जड़ावाला के लोगों को, मुल्जमान को बचा लिया जाए, पर ऐसा नहीं होगा। हमने जिस तरह से शमा और शजाद के मुकदमा में सियासी तौर पर हकूमत को मजबूर किया कि वो बेहतरीन इस्तगासा पेश करे, हमने सरकार को मजबूर किया कि वो उस मुकदमे को बेहतर तरीका से लड़े, और उसका नतीजा क्या हुआ कि उन मुल्जमान को सजा मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी प्यारी बहनों और बेटियों, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, सुन लो, इंसाफ लेना है तो कुछ चीजें अपने अंदर से तर्क कर दो, बस कर दो, अब इंसाफ की दुहाई दो। मैं कहता हूं कि बचपन से लेकर आज तक आपको और मुझे
ये तालीम दी गई कि जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, जो खुदा पर भरोसा रखते हैं, खुदा कौमों को हुक्म देता है कि इनके लिए गोश्त और रोटियां लेकर जाओ। आप एलिया से कम नहीं। एलिया फरमाते हैं कि मैं तो एक आम शख्स हूं, लेकिन जरूरत है कि आप एलिया की तरह अपना ईमान जो है वो मजबूत कर लें कि हमने चर्च का तकद्दस बमाल करने वाले, चर्च में पड़ी बाइबल मुकद्दस जबूर कुरान पाक की तोहीन करने वालों के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है और हमने इंसाफ हासिल करना है, हमने रियासत को मजबूर करना है। अगर आप खामोश हुए तो मसीहा मिल्लत पार्टी क्या कर सकेगी? अगर आप खामोश हुए तो पास्टर आरफ साहब क्या कर सकेंगे? फारूक अंजुम क्या कर सकेगा? बुखारी साहब क्या कर सकेंगे? आप चीखेंगे तो हम आपकी आवाज बनेंगे, आप रोएंगे हम आपकी आवाज बनेंगे, आप शोर करेंगे हम आपकी आवाज बनेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उस दिन 16 तारीख को डीआईजी शेखपुरा के पास मौजूद था, तो वहीं मुझे सरदार साहब ने फोन करके बताया, यहीं से हैं भाई सरदार, उन्होंने बताया कि ये हादसा हो गया है। बस इतना ही टाइम लगा है कि मैंने लियाकत साहब पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, विलियम साहब मरकजी सदर हैं पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के, ये वैसे मेरे साथ थे, हमने जितना वही टाइम लगाया जो हमें आते आते यहां लगाया। पुलिस मिनते कर रही थी कि आप चले जाएं, अगर इनको पता चल गया कि आप मसीह हैं तो ये आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मेरे सामने जत्थे जो हैं वो लाठियां कलाड़ियां पकड़कर जो है वो घूम रहे थे, नारे लगा रहे थे सर तन से जुदा। मैं आपको ये बता दूं कि जहालत इस हद तक आ चुकी है कि हम हकीकत को जाने बगैर वो काम करना चाहते हैं, करने के लिए तैयार हो जाते हैं कि पाकिस्तान का आयन और कानून जिस बात की हमें इजाजत नहीं देता। और फिर जिन लोगों ने हमारे घर हमारे चर्चेस जलाए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई छोटी मोटी साजिश नहीं। मेरी बहनों और भाइयों सुन लो, बड़ी साजिश हो रही है। अगर किसी मसीह का कोई किरदार है, किसी ने तोहीन की है, तो हम उसके खिलाफ हैं, पर साबित करना होगा, पर साबित करना होगा। क्यों नहीं फिर ट्रायल, फिर इन्वेस्टिगेशन होती मसीहों और मुसलमानों के सामने? उस मुल्जम को क्यों नहीं लाया जाता जिस पर इल्जाम लगाया गया है, ताकि जिस तरह से आम मुकदमात में लोग इंसाफ के लिए अपने अपने सबूत जो है वो पेश करते हैं, हमें भी मौका मिलना चाहिए था जो नहीं मिला। अगर चार लोगों पर इल्जाम है कि इन्होंने तोहीन की, तो मैं पूछता हूं कि दर्जनों मसीही बेटियों और बेटों को गिरफ्तार किस लिए किया गया? उनसे आपने कौन सी वायरल सेट जो है वो बरामद किए जो इंडिया के साथ वो बातें करते पकड़े गए थे? हम पाकिस्तानी हैं, महाजर नहीं। हम पाकिस्तानी हैं, हम महाजर नहीं। महाजर वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से हिजरत करके आए हुए हैं। और मैं पूछता हूं कि हिजरत करने वालों ने पाकिस्तान को क्या दिया?
मेरे अबाओ जदाद ने तो पाकिस्तान को जो अधूरा था उसे मुकम्मल पाकिस्तान बनाने के लिए सेंट्रल पंजाब जो है अपने वोट के जरिए पाकिस्तान का हिस्सा बनाया। आज उसी मुल्क में हम बेजारों मददगार हैं, आज उसी मुल्क में हम अदमे तहफ्फुज का शिकार हैं। सुनो, ध्यान से सुन लो, बानिए पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना के फरमुदार से अनहाब करके बगावत करके पाकिस्तान पर काबज होने वालों, सुन लो, पूरी दुनिया के सामने हम चीखेंगे, पूरी दुनिया के सामने हम चिल्लाएंगे कि हम अदमे तहफ्फुज का शिकार है। मैं कहता हूं कि आप जब सब कुछ जल जाता है, जब सब कुछ लूट लिया जाता है, जब सब कुछ तबाह हो जाता है, तब आप रेंजर तलब करते हो, आप पहले रेंजर तलब क्यों नहीं करते? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 16 मार्च को, 16 मार्च 2015 को जब यूहन्नाबाद पर अटैक हुआ, उस वक्त मैं यूहन्नाबाद के अंदर था, तमाम उलमा मेरे साथ अफसोस करने के लिए आए हुए थे, तो वहां पर जब हमला हुआ तो उलमा ने मुझे जो है वो सलाह दी कि आप दहशतगर्दी यूनिट जो है इस्लामाबाद में उसे राबता करें, बल्कि उन्होंने ही मुझे नंबर मुहैया किया। जब मैंने वहां पर बात की, ब्रिगेडियर साहब से मेरी बातचीत हुई, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 मिनट बाद ब्रिगेडियर जो उस यूनिट का इंचार्ज था, सरबराह था, उसने मेरे साथ दोबारा बात की, उसने कहा देखें रेंजर आ चुकी है या नहीं आ गई। कितने मिनट में? 14 मिनट में। यहां पर घंटों लोग तबाही मचाते रहे, डीपीओ ने क्यों तलब नहीं की रेंजर, सबाई सरकार ने क्यों रेंजर तलब नहीं की? उसके बाद अगर किसी, ये तो ऐसा ही है कि अगर कोई ताकतवर शख्स जो है किसी गरीब की बेटी के साथ ज्यादती कर दे, बाद में चौधरी साहब खुद आएगा, ओ मेरी बेटी है, मैं इसका ही शादी करूंगा, इसको मैं आप गांव से निकाल देता हूं हफ्ते के लिए, दो हफ्ते के लिए। मैं समझता हूं कि ये मकारी है। आप मुसलमान हैं, आप एक जिंदा खुदा को मानते हैं, आप अकलियतों के साथ जुल्म करने वालों के खिलाफ आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। कितना बड़ा जुल्म है पास्टर विक्की साहब के साथ। जब उस पास्टर के चर्च पर इस्लामी अल्फाज में तहरीरें लिखी गई तो पुलिस ने FIR दर्ज की। 7 रोज बाद उस पर कातिलाना हमला हुआ, बजाय के सरकार हमला करने वालों को ढूंढती, पास्टर विक्की के खिलाफ खुद साख्ता फायर का मेडिकल हासिल किया गया। मैं मुस्तर्द करता हूं पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी मेडिकल ऑफिसर की इस ओपिनियन की मजम्मत करती है, हम उसे मुस्तर्द करते हैं, हम उसे मुस्तर्द करते हैं, हम उसे मुस्तर्द करते हैं। अब फैसला बादशाही मस्जिद में होना चाहिए, अब फैसला बादशाही मस्जिद में होना चाहिए। उस DSP को,
जिसने पास्टर विकी से जबरन बयान दलवाया है उसको भी बादशाही मस्जिद में बुलाओ और विक्की साहब को भी। खुदा का घर है मस्जिद, हम यकीन रखते हैं कि वहां पर जो झूठी कसम खाएगा, झूठ बोलेगा, खुदा उससे बदला लेगा। इसलिए अगर आप चाहें कि मसीहियों पर होने वाले हमले खुद साख्ता करार देकर आप मसीहियों के गले डाल दें, फिर मैं याद दिला दूं कि आप पहले ईमान हैं। आप एक वक्त खुदा पर यकीन रखते हैं, आखिरकार इन लोगों को लगाम देनी होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल रात मुझे एक वीडियो भेजी गई जिसमें एक शख्स जो है बाइबल मुकद्दस के खिलाफ अल्फाज बोल रहा है, मजहब मसीहत के खिलाफ अल्फाज बोल रहा है और उसकी वीडियो है, और फिर वो बाइबल मुकद्दस तोबा नाउज बिल्ला बाइबल मुकद्दस की जिस तरह से तोहीन कर रहा है। मैं कहता हूं लबैक वाले भाइयों, लबैक वाले बुजुर्गों, मैंने जानबूझकर वो वीडियो उलमा को भेजी कि अब देखता हूं कि इनमें गैरत अमानी जागती है या नहीं, ये कुरान पाक का कोई झूठा इल्जाम लगा दे तो घर जलाते हैं, चर्च जलाते हैं, लोगों को जिंदा जला देते हैं जैसे गोदरे में जलाया गया। क्या करते हैं ये बाइबल मुकद्दस की तोहीन पर किसी ने कुछ नहीं किया। मैं समझता हूं कि ये जुल्म है मेरे उलमा भाइयों। कुरान पाक बाइबल मुकद्दस तौरात और जबूर जो है अंबिया के जितने सहीफे हैं हर उस शख्स के लिए मुकद्दम और उसके सर का ताज है जो वहद खुदा पर यकीन रखता है। अब जरूरत है कि तमाम भाई बहने मुतहदों पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी आपके साथ खड़ी है, और मैं चाहता हूं आप जैसे जानते हैं कि जगीरदाराना निजाम के खिलाफ हमने एक बड़ी जदोजहद की लड़कपन से। 1988 में भट्टा मजदूरों और खेत मजदूरों की जबरी मशक्कत के खिलाफ खुदा ने हमें हमारी दुआ को सुना, जदोजहद को कबूल किया। अफसर जुल्ला साहब ने एक फैसला सादर फरमाया जिससे सारे लोग जो हैं वो आजाद हुए। अब मैं तमाम मसीहों और मुसलमान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी आपके साथ खड़ी है। अगर कोई जागीरदार, अगर कोई भट्टा मालिक आप पर जुल्म करता है तो यहां पर हमारी जमात मौजूद है। फरूक अंजब साहब की शक्ल में, जावेद की शक्ल में, पास्टर साहब की शक्ल में, सरदार की शक्ल में, आप सब बहन भाइयों की शक्ल में। इसलिए आप अकेले नहीं, भट्टा मजदूरों के हम साथ खड़े हैं। चूंकि अब कौमी सानिया है, हमारी सारी तवज्जो पार्टी की इस पर है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आपने मुझे एक माह बाद देखा है, उस दिन तो आप देख नहीं सके मुझे जिस दिन मैं आया हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इत्तेजाजन जिस मेरे पार्टी साथी पादरी साहब ने, एनजीओ वाले ने, किसी मखीर हजरात ने मुझसे रब्ता किया, जिसने भाई सप्तान साहब हैं, इन्होंने भी कहा जी मेरे पास कुछ मच्छरदानियां हैं, मैं गर्मी में उन्हें वो देना चाहता हूं। तो मैंने क्या कहा, आप सब ने खुद जाना है,
चूंकि मेरा काम जमात का काम जो है इन लोगों को अंसाब मुहैया करवाने के लिए रियासत को जगाना मजबूर करना है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, तमाम वकला आपके साथ खड़े हैं। रियासत ने जितनी हमारी मदद की हम उनके शुक्रगुजार हैं। पर फिर दोहरा देना चाहता हूं कि ना विक्की के साथ, पास्टर विक्की के साथ होने वाला ड्रामा कामयाब होगा और ना ही इन लोगों को आप रिलीफ देने में कामयाब होंगे जिन्होंने चर्चेस को जलाया, जिन्होंने सलीब जो मेरी और तमाम कायनात की निजात का निशान है, वसीला है, उसको जलाया, उसकी तौहीन की। हम किसी सूरत में सौदेबाजी नहीं होने देंगे, किसी सूरत में हम भूख बर्दाश्त करेंगे, हम फलास बर्दाश्त करेंगे। हम भूख और फलास बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन अपने जिंदा खुदा की तौहीन, उसके अलहामी किताबों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम उसकी हाइकल की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं छोड़ सकता हूं, कौम छोड़ सकती है उस जुल्म को जो हम खौफ के मारे देहात जाकर जो है वो खेतों में सोए। हमारे साथ जो भी हुआ हम अपने बदन को देने वाली अजियतें माफ कर सकते हैं पर खुदा की तौहीन करने वालों को माफ नहीं कर सकते। हालेलुया, आए खुदा के लोगों, अब वक्त आ गया कि सब लोग मुत्तहिद हों। मैं अलानिया तौर पर यह कहना चाहता हूं उन भाइयों को जो पास्टर विक्की के साथ फैसलाबाद से खड़े हैं, पाकिस्तान मसीहा मिलत पार्टी चट्टान की तरह पास्टर विक्की के साथ खड़ी है, किसी सूरत एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। मैं कहता हूं जो करना है विक्की को मार दो, हलाक कर दो, लेकिन जो कोई कुछ करेगा इंसाफ के कटहरे में उसे आना होगा। आपने 5 साल तक मुझे बंद करके देख लिया, 1 इंच मुझे पीछे नहीं हटा सके। आपने 5 साल तक मेरे बच्चों को मुझसे दूर रखा, मेरे मासूम बच्चे चीखते और चलाते रहे पर मेरा खुदा मेरे साथ रहा, उसने मुझे तसल्ली दी, उसने कहा खड़ा रह, खड़ा रह, खड़ा रह, मैं तुझे छड़ाऊंगा और फिर से पहले से ज्यादा सरफराज करूंगा। शर्मिंदा है वो लोग जिन्होंने मुझे बेगुनाही की हालत में, बीमारी की हालत में जेल भेजने के लिए रियासत की मुआमरत की। बेशक वो मेरे अपने हैं लेकिन मैं उनके लिए, मेरा खानदान उनके लिए, मेरे साथी उनके लिए सब दुआगो हैं। बोलो बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम की, बादशाह का बादशाह, पाकिस्तान के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के गरीब मसीहों के लिए, पाकिस्तान के गरीब हिंदुओं के लिए, पाकिस्तान के पसमांदा मुसलमानों के लिए आवाज बुलंद करने वाले असलम सोत्रा को इस जुर्म में बंद करते हो, वो भी 5 साल तक, कि आप लोगों की, गरीबों की, पसमांदा लोगों की आवाज क्यों बने हो? ये कैसा अजीब माजरा है पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के हकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों की आवाज बनने वाली जमात पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी को क्रैश करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए उसके लीडरान को 5 साल तक जेल में रखते हो। क्या ये जुल्म नहीं? ये दोहरा मियार नहीं? या मैं इसे कहूं
तो ये मुनाफकत नहीं। खुदारा रियासत मेरी मां है, सुन ले कि रियासत मेरी मां है, क्योंकि इस रियासत को के क्याम के लिए मेरे बुजुर्गों ने अपने वोट से पाकिस्तान को जो अधूरा था मुकम्मल पाकिस्तान बनाया। मैं क्यों कर इस पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली किसी आवाज के साथ खड़ा हो सकता हूं। हम हर सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली आवाज की नफी करते हैं, नफी करते रहेंगे, लेकिन जो जुल्म जबर अकलियतों के साथ खास तौर पर मसीहों के साथ यहां पर हो रहा है, उसके लिए पाकिस्तान मसीहा मिलन पार्टी लोगों के साथ खड़ी है, उनकी आवाज है। खुदा आप सबका हामी और मददगार। पाकिस्तान मसीहा मिलन पार्टी मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर साहब का, सलीम आरिफ साहब, फरूक साहब प्रेसिडेंट है पाकिस्तान मसीहा मिलन पार्टी जड़ावाला के, मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर असलम जेम्स साहब जो कोऑर्डिनेटर हैं फैसलाबाद के, जवेद सोत्रा साहब और उनके सारे साथी जो फरूक साहब की सारी टीम है, हम उनके आप सब कलीसिया के शुक्रगुजार हैं कि आज आप यहाँ पर इकट्ठे हुए और हमने अपने बुनियादी हकूक के लिए आवाज बुलंद की। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। शुक्रिया।